भारत के उत्तर में है उत्तराखंड और इसके दो मंडल हैं कुमाऊं और गढ़वाल। क्या आपके मन में भी यह विचार आया है कि इन दोनों मंडलों में क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच के सामान्य से अंतर को। सबसे पहले इनके नामों से अंतर को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। इसका नाम कुमाऊं कैसे पड़ा? कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में चंपावत में स्थित कूर्म पर्वत पर 3 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या की थी। तब से यह पर्वत कूर्म पर्वत कहा जाने लगा और इसके आसपास का क्षेत्र कुमू कहा जाने लगा। चंद्रवंश साम्राज्य के समय उनका यह क्षेत्र कूर्मांचल कहलाने लगा। वहीं अगर बात करें कि गढ़वाल का नाम गढ़वाल क्यों है, तो इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। गढ़ यानी कि किला। यहाँ पर 52 गढ़ थे जिनमें 52 छोटे छोटे राजाओं का स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि इन छोटे छोटे राजाओं का आपसी मतभेद हुआ करता था। बस इसी बात का फायदा उठाकर परमार वंश के राजा अजयपाल ने इन सभी 52 राजाओं को हराकर सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था। इन 52 गढ़ों को जीतने के कारण राजा अजयपाल गढ़वाला कहलाए और गढ़वाल। दूसरा अंतर यदि हम देखें तो भाषा का भी है। यहाँ भाषा को लेकर भी काफी अंतर देखने को मिलता है। कुमाऊं में लंबे समय तक चंद्रवंशीय राजाओं का राज्य रहा, अतः अवधि प्रदेश से अनेकों ब्राह्मण क्षत्रिय और भृत्य आदि के कुमाऊं में आने से कुमाऊंनी बोली में अवधि की छाप है। यही कारण है कि कुमाऊं बोली में अंतिम स्वर या तो फुसफुसाहट वाला होता है या फिर लुप्त हो जाता है। वहीं गढ़वाल की प्रवृत्ति दीर्घत्व की ओर ले जाती है। जैसे गढ़वाली में कहा जाता है इथै उथै इनै उनै। कुमाऊनी में यह साउंड लघु की ओर लेकर जाता है जैसे एति उति। गढ़वाल में दोफरा और कुमाऊनी में दोफरी कहा जाता है। इस तरह दोनों भाषाओं में प्रायः काफी अंतर देखने को मिलता है। वेशभूषा की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल की वेशभूषा में काफी अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं की रंगीली पिछोड़ी की। अगर इसे कुमाऊं का ट्रेडमार्क कहा जाए तो शायद यह कहना अनुचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल में गत्या धोती चदरी तिगबंदा इन दोनों के ओढ़ने पहनने के अंतर को भी बताता है। खाने के नाम से किसके मुंह में पानी नहीं आता। जी हाँ, खान पान और व्यंजन में अंतर देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल में काफी अलग अलग प्रमुख व्यंजन देखने को मिलते हैं। गढ़वाल के प्रमुख व्यंजन हैं काफला, चुलमंडी, खुशका, मसमणी और अड़से। वहीं कुमाऊं में चिटकानी, भांग की चटनी, खीरे का रायता, आलू के गुटके, सिंगल और दाल के बड़े। गढ़वाल और कुमाऊं के रहन सहन देखे तो यहाँ के रहन सहन में भी काफी फर्क देखने को मिलता है। जहाँ एक और कुमाऊं में पूजा पाठ के साथ साथ रीति रिवाज लगभग जीवन के हर पहलू से जुड़े होते हैं, गढ़वाल में लोग पूजा पाठ के साथ साथ सामान्य जीवन शैली व्यतीत करते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ के लोग रिवाजों को अपने जीवन से नहीं जोड़ते। तो यह थे कुछ सामान्य से पहलू जो कि कुमाऊं और गढ़वाल में अंतर को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।